हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप काइंड मास्टर ऐप की हेल्प से अच्छे अच्छे यूट्यूब थंबनेल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो काइंड मास्टर ऐप वीडियोस एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप काइंड मास्टर ऐप की हेल्प से बहुत अच्छी अच्छी थंबनेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको काइंड मास्टर ऐप में भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं एक अच्छी यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करने के लिए, जो आपको अदर एप्लीकेशंस में मिलते हैं। तो मैं बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँगी कि आप अच्छी अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा काइंड मास्टर का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हमें काइंड मास्टर से यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है हमारा 16:9 यूट्यूब थंबनेल का रेशियो। हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारा मीडिया ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पर ये बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये ब्लैक वाला कलर चूज़ कर रही हूँ। हम इसे यहाँ से डन कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे, एंड देन हम यहाँ से एक और बैकग्राउंड का कलर चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर रेड वाला कलर चूज़ कर रही हूँ। हम इसे ओके कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, एंड देन इसके साइज़ को इनक्रीज़ करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारी थंबनेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। मैं इसे यहाँ पर डन कर दूंगी, एंड देन मैं यहाँ पर एक और बैकग्राउंड ले रही हूँ वाइट कलर का, जिसमें कि मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी। सो मैं यहाँ पर वाइट कलर का बैकग्राउंड ले रही हूँ, एंड हम यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेंगे। आपको यहाँ पर क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके कर देंगे इसको, एंड इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से इनक्रीज़ कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, एंड हम इसको सेंड टू बैक कर देंगे, एंड इसे ओके कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी थंबनेल का बैकग्राउंड रेडी हो गया है। अब हम इसमें अपनी एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, एंड देन आपको मीडिया के ऑप्शन से अपनी कोई भी फेवरेट फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। अब आपको यहाँ पर फ्लिप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर फ्लिप कर दिया है। अब आप अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लें, जैसे भी आपको साइज़ रखना है इसका। तो मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी ऐड हो गई है। अब हम अपनी थंबनेल में टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, एंड देन आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ काइंड मास्टर। इसे ओके कर देंगे, एंड देन आप इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट का कलर रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर चूज़ कर रही हूँ। इसे ओके कर देंगे, एंड देन हम इसका फॉन्ट को भी यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये रेड कलर चूज़ किया है, लेकिन ये उतना ज़्यादा पॉपअप होकर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसके कलर को वाइट कर दूंगी, जिससे कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप भी वही कलर चूज़ करें जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और आपकी थंबनेल पर ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर और भी टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अब मैं इस थंबनेल वाले टेक्स्ट को इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आऊँगी। सो मैं यहाँ पर इसके कलर को चेंज कर देती हूँ, जिससे कि ये थोड़ा और ज़्यादा विजिबल हो और हमारी थंबनेल और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब मैं यहाँ से इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लूँगी, जिससे कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आपको यहाँ पर स्ट्रोक ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसमें स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक भी ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड कर रही हूँ। इसे इनेबल कर देंगे, एंड आप इसके स्ट्रोक के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे ओके कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी थंबनेल है वो लगभग रेडी हो गई है। अब हम इसमें एक यूट्यूब का आइकन भी ऐड कर लेंगे। आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है, एंड देन मीडिया के ऑप्शन से आप यूट्यूब का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपने यूट्यूब का आइकन सेव किया है, आप उसे वहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा यूट्यूब का आइकन आ गया है। आप इसके साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से,
अब मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी जिससे कि हमारी थंबनेल और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव सी एकदम प्रोफेशनल थंबनेल रेडी हो गई है। आप भी इसी तरीके से काइनमास्टर की हेल्प से बहुत ही अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप 5 मिनट से कम में ही अपने लिए बहुत ही अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इसलिए हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये आपको बस एक डेमो दिया है। आप भी इसी तरीके से काइनमास्टर की हेल्प से बहुत ही अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव थंबनेल्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव कर लूँगी यहाँ पर। आपको यहाँ पर ये कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी थंबनेल गैलरी में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी थंबनेल गैलरी में सेव हो गई है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।